दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई अनोखा फ्रॉग और सैंडल के कुएं की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बरसाना नाम के गांव में मानवी नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। मानवी दिखने में बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत थी, जिस वजह से हर कोई मानवी का मजाक उड़ाया करता था। अरे वो देखो, काली बंदरिया आ गई, चलो यहाँ से। हाँ, चलो यहाँ से। अरे रुको, तुम लोग कहाँ जा रही हो, मेरी बात तो सुनो। हमने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ भागो यहाँ से, काली बंदरिया कहीं की। बिल्कुल चुड़ैल लगती है तू। ये सब सुनकर मानवी रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ ये सारी बच्चे मुझे क्यों काली काली कहकर चिढ़ाती हैं? मैं इतनी काली क्यों हूँ माँ? ऐसे रोते नहीं बेटा, किसी के बोलने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। क्या सच में माँ? हाँ हाँ सच में, इंसान की सुंदरता उनके गुणों में होती है, रूप में नहीं। अब भगवान कृष्ण को ही देख लो, काले थे पर पूरे गोकुल की गोपियाँ उनकी दीवानी थीं। अपनी माँ की बातों को सुनकर मानवी चुप हो जाती है। माँ अब मैं भी कभी नहीं रोऊंगी, चाहे कोई मुझे कितना भी क्यों ना चिढ़ाए। उनकी बात से मानवी कभी किसी की भी बातों का बुरा नहीं मानती है। अरे ओ काली बंदरिया, आजकल कहाँ पर रहती हो, दिखाई नहीं देती। लगता है इसने शर्म के मारे अपने घर से निकलना ही बंद कर दिया है। चलो अच्छा ही है, वैसे भी काले लोगों को घर से कम ही निकलना चाहिए, नहीं तो देखकर लोग डर गए तो। है ना मानवी? मानवी किसी की भी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक बार अचानक मानवी की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। माँ के मर जाने के बाद मानवी बहुत ही अकेली हो जाती है और उसके चाचा चाची ने भी मानवी को घर से बाहर निकाल दिया। चाची मुझे घर से मत निकालो, भला मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? प्लीज चाची, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे मत निकालो प्लीज। निकालो नहीं तो क्या करूँ तेरा, एक तो बेटी जात, ऊपर से शक्ल भी ऐसी कि वाह। अरे कौन शादी करेगा तुझसे, सारी उम्र क्या हमारी छाती पर मूंग तलती रहेगी, जा भाग यहाँ से। प्लीज चाची। मुंह बंद करके चुपचाप निकल जा यहाँ से, एक तू ही नहीं है, मुझे अपने बच्चों को भी देखना है। चाची को मानवी पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है और वो उसे धक्के मार कर वहाँ से बाहर निकाल देती है। घर से निकलने के बाद मानवी चलते चलते जंगल में एक कुएं के पास बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? माँ माँ माँ, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर कहां चली गई? देखो तो, तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो गई है। मुझे आपके बिना नहीं जीना है माँ, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ, मुझे अपने पास बुला लो माँ। मानवी कुएं को देखकर उसमें कूदने ही वाली होती है कि तभी उस कुएं से एक आवाज आती है। रुक जाओ लड़की, आखिर तुम इस कुएं में जान क्यों देने जा रही हो? जान न दूं तो और क्या करूं? मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं है, एक माँ थी वो भी मुझे छोड़कर चली गई, घर था वो भी मुझसे छीन लिया गया, और गांव के लोग मुझसे बात करना तो दूर, मुझे देखना तक पसंद नहीं करते। अब आप ही बताओ कुंवर जी, मैं क्या करूं? धैर्य रखो लड़की, इंसान को इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, और तुम तो एक बहादुर लड़की हो,
ऐसे जिंदगी से निराश नहीं होते। सारी परेशानियां समाधान के साथ ही उत्पन्न होती हैं। अगर परेशानी है तो समाधान भी है। कहाँ है समाधान? मुझे तो अपनी परेशानियों का कोई भी हल नहीं दिखाई दे रहा कुंवर जी। अगर तुम मेरे पास आई हो तो जरूर ही इसका कोई कारण है। मैं कोई साधारण कुआ नहीं बल्कि जादुई फ्रॉक और सैंडल का कुआ हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई फ्रॉक और सैंडल दे रहा हूँ जिसे पहनकर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। मुझे खूबसूरती नहीं चाहिए, मैं खूबसूरती का क्या करूँगी? मुझे मेरे जीने की वजह चाहिए, क्या आप मुझे वो वजह दे सकते हैं? कल शहर में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। तुम ये जादुई फ्रॉक और सैंडल पहनकर वहाँ जाओ और उसमें हिस्सा लो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस कॉन्टेस्ट को जरूर जीतोगी। अब तुम जाओ और अब दोबारा ऐसी गलती कभी भी मत करना। उसके बाद वो जादुई कुआं मानवी को एक जादुई फ्रॉक और सैंडल देता है। फिर मानवी उस जादुई कुएं का धन्यवाद कर उस जादुई फ्रॉक को और साथ ही जादुई सैंडल को भी पहन लेती है। जादुई फ्रॉक और सैंडल पहनते ही मानवी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और वो शहर में जाकर उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लेती है। स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस देने के बाद मानवी सबका दिल जीत लेती है और उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट का खिताब अपने नाम करती है। उस कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद मानवी को पूरे 10 लाख रुपए का इनाम मिलता है, साथ ही डायरेक्ट मूवीज में काम करने का मौका भी मिलता है। मानवी के पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन पैसों से मानवी गांव वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा सा हॉस्पिटल खोलती है जिसमें गरीब लोगों की फ्री में इलाज की सुविधा होती है, जिसका सारा खर्चा मानवी खुद ही उठाती है और वो जो कुछ भी कमाती है सब गरीब लोगों की मदद करने में लगा देती है। मानवी की इस तरह नेक दरिया दिली को देखकर हर कोई मानवी को ऊपर वाले का कोई नेक इंसान मानने लगता है। मानवी को गवर्नमेंट की तरफ से भी लोगों की मदद करने के लिए कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं। एक दिन मानवी गांव के हॉस्पिटल में ये देखने आती है कि सभी लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर जाती है जो दर्द के मारे तड़प रही थी। अरे चाची आप, ये आपकी क्या हालत हो गई है चाची? क्या बताऊं बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, ऊपर वाले ने उसी की सजा दी है मुझे। तुम्हारे जाने के बाद अचानक तुम्हारी चाचा की मौत हो गई और उसके बाद मेरे अपने ही बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मेरी ये हालत हो गई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, शायद ऊपर वाले ने आज मुझे उसी की सजा दी है। आप चिंता मत करिए चाची, आपको कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर, इनका तुरंत इलाज किया जाए और ध्यान रहे इन्हें किसी भी चीज की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैम, क्या ये आपकी कोई खास है क्या? हाँ बहुत खास, ये मेरी चाची हैं। मानवी की चाची वही लेटी ये सब कुछ सुन रही थी और उनकी आंखों से सिर्फ पश्चाताप के आंसू निकल रहे थे। कुछ दिनों के बाद चाची पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर मानवी चाची से मिलने आती है। कैसी हो चाची? ठीक हूँ बेटा, इन लोगों ने मेरी बहुत सेवा की, तुम्हारा हम पर बहुत एहसान है बेटी। चाची, एक तरफ बेटी भी बोलती हो और ऊपर से एहसान की बात करती हो। मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है चाची, आखिर मेरा आपके सिवा इस दुनिया में है ही कौन। और उसके बाद चाची मानवी को अपने गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद से चाची और मानवी दोनों मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में गीता अपने पति राजेश के साथ रहा करती थी। गीता और राजेश का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था।
गीता और राजेश दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। दोनों एक दूसरे से रोज मिला जुला करते थे, जिसके कारण दोनों के बीच प्यार बढ़ गया और दोनों ने विवाह करने का फैसला कर लिया। गीता और राजेश के विवाह को पूरे 10 वर्ष हो चुके थे और उनकी एक 8 साल की बेटी भी थी, जिसका नाम था कोयल। कोयल के आने से गीता और राजेश का जीवन और भी ज्यादा सुखी हो गया था और उन दोनों के रिश्ते को मजबूती मिल गई थी। तीनों लोग मिलकर हंसी खुशी से रहा करते थे, लेकिन एक दिन गीता की खुशियों को ग्रहण लग जाता है और एक दिन राजेश का ऑफिस से आते समय एक बड़ी कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। जब ये खबर गीता को पता चलती है तो वो बहुत रोती है, परंतु अब गीता की 8 वर्ष की बेटी ही थी जो उसके जीने का सहारा थी, इसलिए वो जैसे तैसे खुद को संभालती है और अपनी बेटी के साथ मिलकर अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है। गीता के पास एक घर के अलावा और कुछ भी नहीं था, इसलिए वो गांव में पूरे दिन भटकती है। तब जाकर उसे एक घर में झाड़ू पोछा करने का काम मिल जाता है। गीता की बेटी कोयल एक बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की थी। गीता ने अपनी बेटी को बहुत ही नेक और अच्छे संस्कार से बड़ा किया था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। गीता सुबह उठकर अपने घर के काम किया करती थी और अपनी बेटी को तैयार करके स्कूल भेजती और उसके बाद अपने काम पर चली जाया करती थी। एक दिन गीता अपनी मालकिन से कहती है, मैम साहब, मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्चा बढ़ रहा है और मुझे यहाँ काम करते करते काफी समय भी हो गया है, क्या आप मेरी कुछ तनख्वाह बढ़ा सकती हैं? क्या, ये क्या कह रही है तू, पागल तो नहीं हो गई है? मैं तुझे महीने के 8,000 रुपए देती हूँ, वो तुझे कम लगते हैं क्या? देख, तुझे काम करना है तो कर, वरना काम करने वालों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। मुझे माफ कर दीजिए मैम साहब, मैं तो बस अपनी परेशानी ही बता रही थी आपको। इतना कहकर गीता उदास मन से अपने कामों में लग जाती है। यहाँ स्कूल से छुट्टी होने पर कोयल घर वापस आती है। कोयल को अकेले रहना बहुत अच्छा लगता था और उसके बहुत कम लड़कियाँ ही दोस्त थी। कोयल अपना ज्यादातर समय पढ़ाई लिखाई और जंगल में जानवरों के साथ समय बिताने में लगाया करती थी। कोयल को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन गीता की ज्यादा कमाई ना होने की वजह से वो कोयल को एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकती थी। शाम के समय जब गीता घर आती है, अरे मेरी प्यारी बेटी कोयल, तुम क्या कर रही हो? ये देखो, आज तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रसगुल्ले लेकर आई है। अरे वाह माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। इसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खाकर सो जाती हैं। कोयल को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। कोयल की माँ गीता कोयल को जादुई कहानियाँ सुनाया करती थी, जिन्हें सुनकर कोयल को बहुत अच्छा लगता था। कोयल अपनी माँ से कहानियों में सिर्फ जादुई चीजों के बारे में ही सुना करती थी, इसलिए वो भी मन ही मन अमीर होने का सपना देखती थी। अगली सुबह गीता जल्दी से उठकर कोयल के लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं, क्योंकि आज संडे था और कोयल के स्कूल की छुट्टी होती है, इसलिए कोयल अपनी माँ के साथ काम पर जाने के लिए तैयार होती है। दोनों माँ बेटी काम पर चली जाती हैं। गीता हमेशा की तरह अपने कामों में लग जाती है, वहीं कोयल सेठानी के घर अच्छी अच्छी चीजों को देखकर बहुत खुश होती है। अभी अचानक से कोयल के हाथ से एक बेशकीमती गुलदस्ता नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। कांच के टूटने की आवाज सुनकर मालकिन वहाँ पर आ जाती है। गीता, अरे ओ गीता, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है
कि मेरे घर पर बहुत ध्यान से काम करना है, परंतु तुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। देख, तेरी बेटी ने आज मेरा बेशकीमती गुलदस्ता तोड़ दिया है, इसकी भरपाई अब कौन करेगा? मैं तुझसे तंग आ चुकी हूँ। मेम साहब, बच्ची है वो, उसे कुछ नहीं पता, माफ कर दो मेम साहब। बच्ची है तो इसे अपने घर पर रखना चाहिए ना, यहाँ पर लाने को किसने कहा है? मैं अब तेरी और गलतियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, चुपचाप से काम छोड़कर चली जा यहाँ से। और हाँ, मैं तुझे तेरे पैसे भी नहीं दूंगी। लेकिन मेम साहब। लेकिन वही, मुझे कुछ नहीं सुनना। तू अभी जाती है या मैं नौकरों को बुलाकर तुझे घर से धक्के मार कर बाहर निकालूं। गीता अपनी मालकिन से बहस नहीं कर पाती और वो उदास सा मुंह लेकर अपनी बेटी के साथ वो घर छोड़कर निकल जाती है। गीता को बहुत चिंता होने लगती है कि अगर उसने जल्द ही कोई काम नहीं ढूंढा तो वो अपना और अपनी बेटी का पेट कैसे पालेगी। रात के समय दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती हैं। अगले दिन कोयल स्कूल से वापस आ रही होती है, तभी उसे बहुत जोर से प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए स्कूल के पीछे वाले कुएं के पास जाती है। कोयल के स्कूल के पीछे काफी पुराने कुएं थे जिनका कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। वो कुएं बहुत ज्यादा ही पुराने थे, इसलिए उनका पानी भी बहुत गहरा था। कोयल उस कुएं के पास पहुंचकर थोड़ा सा पानी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन पानी बहुत गहरा था। कोयल पानी निकालने में नाकामयाब हो जाती है। फिर कोयल दूसरे कुएं से पानी निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कोयल पानी तक नहीं पहुंच पाती। फिर भी कोयल हार नहीं मानती और वो तीसरे कुएं के पास जाती है। तीसरे कुएं में कोयल को नीचे जाती हुई सीढ़ियां नजर आती हैं। कोयल उन सीढ़ियों की मदद से नीचे तक पहुंच जाती है। कोयल को अंधेरा देखकर बहुत डर लगता है। वो कुएं में इधर उधर देखने लगती है, लेकिन कोयल को कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो कुएं से बाहर प्यास भी निकल जाती है। कोयल का निडर और साहसी रूप देखकर उस कुएं से एक आवाज आती है। सुनो लड़की, मैं एक जादुई कुआं हूँ। मैं तुम्हारी सभी मुसीबतों को जानता हूँ और उन मुसीबतों को मैं तुमसे दूर भी कर सकता हूँ। मुझे तुम एक बहुत ही ईमानदार और नेक दिल की लड़की लगती हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। हम तीनों कुएं इस जंगल के सबसे पुराने कुएं हैं और हम सदैव जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। ये तीन जादुई साड़ियां हैं जो तुम्हारी सभी मुसीबतों को दूर कर सकती हैं। ये पहली साड़ी जिससे तुम खाने पीने की हर प्रकार की चीजें मांग सकती हो। तुम मेरी साड़ी से हर प्रकार का खाने का स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन मांग सकती हो। और पहली साड़ी से तुम सुंदर सुंदर कपड़े और मेकअप का सामान और गहने भी मांग सकती हो। और ये दूसरी साड़ी तुम्हें रहने के लिए घर देगी और उस घर में तुम्हारी सुरक्षा भी करेगी। कोयल उन कुओं की बातें सुनकर वो तीनों जादुई साड़ियाँ ले लेती है। कोयल जादुई साड़ियों की मदद से अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँच कर कोयल सारी बातें अपनी माँ को बताती है। माँ, अब हमें कभी भी किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। अब हम भी बाकी लोगों की तरह अच्छे तरीके से रह सकती हैं। फिर कोयल दूसरी साड़ी से सबसे पहले एक रहने के लिए घर मांगती है। फिर जादुई साड़ी कोयल को रहने के लिए एक सुंदर सा आलीशान घर दे देती है। कोयल अपनी माँ को लेकर उस साड़ी के घर में रहने लगती है। कोयल तीसरी साड़ी से खाने के लिए बहुत सारे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने मांगती है और पहली साड़ी की मदद से वो दोनों माँ बेटी सुंदर सुंदर कपड़े और गहने मांगती हैं। इस प्रकार से अब दोनों माँ बेटी जादुई तीन साड़ियों के साथ अपना पूरा जीवन हंसी खुशी से बिताने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें,
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।